नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। और आज हम राइड के दूसरे दिन के और दूसरे पड़ाव की तरफ को चल दिए हैं। मेरे साथ लक्ष्य भाई आए थे, सैम भाई आए थे उत्तराखंड राइड में। मैंने भी ज्वाइन किया। निकल तो रहे हैं, तो दिक्कत ये है कि निकल तो रहे हैं पर खाने की दिक्कत है। और खाएंगे क्या वो लक्ष्य भाई बताएंगे कि हमारा सामान समाप्त हो चुका है। तो सैम भाई सारे हमारे ग्रोसरी कैरी कर रहे थे क्योंकि हम तो बिल्कुल नहीं है इस कैंपिंग के उसमें लास्ट 6 दिन से। तो शेफ सैम जी आप बताइए कि आज हमें आप पकवान में क्या खिलाने वाले हैं? हम जो आप लोग बोलोगे वो मैं खिलाने वाला हूँ। मोनू सागर हमें मार्केट लेके जाएंगे और ये भैया देखते हुए अच्छी सी जगह। मोनू भाई मार्केट लेके जाएंगे, सामान लाएंगे, शेफ सैम भाई बनाएंगे और हम उसको व्लॉग करेंगे और एक नए नज़रिए से आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले है एक अच्छी सी लोकेशन जहाँ पे हमें खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। मेरे नज़र में जो सबसे नज़दीक जगह है लोकेशन वो है थल। तो चलते हैं थल और देखते हैं थल में हमें मिल पाता है हमारी ज़रूरत का सामान हमें थल में मिलता है या नहीं। तो सीधे मिलते हैं थल की से। गाइस अभी हो चुकी है एक छोटी सी प्रॉब्लम, क्या दिक्कत आ चुकी है। इस वाली बैटरी की गाड़ी की बैटरी हो चुकी है डाउन। नॉन स्टॉप हमने फोन ड्रोन सब कुछ चार्जिंग पे लगाया था इसी बाइक पे और वो इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग पे। पहले से ऑलरेडी बैंड बजी हुई थी तो अभी देखते हैं इसको धक्के में कैसे स्टार्ट करना है। लक्ष्य भैया थोड़ा हेल्प करेंगे। अभी नहीं सेल्फ, एक बार सेल्फ लेना। फर्स्ट गियर में नहीं, सेकंड गियर में। नहीं उस पर इंजन पे लोड कम पड़ेगा, ये पहला रूल है। कभी भी धक्के में स्टार्ट करनी है तो सेकंड गियर पे स्टार्ट करनी है। लक्ष्य भैया क्या मैं सही कह रहा हूँ? और ज़्यादा देर ऐसे चाबी ऑन रहने दी तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूल पंप खराब हो जाए, कुछ और मिसटेप। क्योंकि फिर शाम ही हो जाएगी अगर ये स्टार्ट नहीं होता। चलिए एक दो डालो सेकंड गियर, नीचे डाल दो पहले, छोड़ो छोड़ दो पूरा क्लच, पूरा क्लच छोड़ दो कंट्रोल। चलो गाड़ी तो हो गई स्टार्ट, सीधे आराम से नीचे उतार दो। बहुत हार्ड, कम से कम एक गाड़ी तो नीचे गई। चलो तो ये है रोड का किनारा जहाँ हम रात को रुके थे, यहीं से ऊपर आए थे। वो ब्लॉग आपने देख ही चुके होंगे, अभी गया था मैं। तो पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में थल, और थल पहुंचने के बाद सबसे पहले चार्ज करना है फ़ोन, गोप्रो की बैटरी और लक्ष्य भाई का लैपटॉप। थल में कहाँ रुकना चाहिए बस ये सोच के थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि कहाँ रुकें। मेरे ख्याल से खाना खाने का भी टाइम हो चुका है। क्या हुआ? कुछ तो गिरा है।
क्या हुआ? काफी फेमस प्लेस लगता है भाई। बिल्कुल, तो अभी भाई लोगों को दिलाना है खाने पीने का आइटम जो रात को काम आने वाला है। चलिए देखते हैं कोई अच्छी सी दुकान जहाँ सारी चीज़ें मिल सके। आधा किलो चावल, 250 ग्राम दाल, एक ब्रेड का पैकेट और एक जीरा। तो फिलहाल अभी ये आइटम लेते हैं। चलिए एक ब्रिज क्रॉस करते हैं। ओ तेरी, क्या सीन है यार, नाइस लोकेशन। नाइस लोकेशन है, वंडरफुल।